दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप गूगल से बहुत सारे ईमेल आईडी कैसे उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई बिजनेस प्रमोशनल ईमेल करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को ईमेल करना है, तो आपको बहुत सारे ईमेल आईडी चाहिए होंगे। मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको दिल्ली की लोकेशन के ईमेल आईडी चाहिए, या बंबई में रह रहे हैं या यूपी में है या कभी किसी भी सिटी में है, छोटे सिटी में है, मेरठ में है। जैसे मैं नजीबाबाद में रहता हूं तो अपनी नजीबाबाद सिटी में मैं अपने जो है कोई प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना चाह रहा हूं, तो लोगों के ईमेल कहां से मिलेंगे? गूगल से मिलेंगे। लेकिन गूगल पे मिल तो जाते हैं लेकिन उनको एक एक करके कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे क्या होगा, आपको वन क्लिक में आपके सारे ईमेल आईडी जो भी गूगल पे आ रहे हैं वन क्लिक में आपके निकल कर आ जाएंगे। उसको आप कॉपी करेंगे, एक्सेल में पेस्ट करेंगे, जहां पर भी पेस्ट करना है उसको पेस्ट कर सकते हैं। मतलब पूरी बल्क में आपको जो है ईमेल की लिस्ट, आपको जो भी लोकेशन की आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। तो अगर आप भी अपने कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको आना है गूगल पे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे इन टेक्स्ट। इन टेक्स्ट करके आप दो यहाँ पर कॉलन लगा देंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर आपको जो भी जीमेल की आईडी चाहिए, ये याहू की आईडी चाहिए, कौन सी चाहिए, तो एट द रेट करके वो आप लिख देंगे। मुझे चाहिए gmail.com मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद आप स्पेस देंगे और मान लीजिए आपको डॉक्टर्स की ईमेल आईडी चाहिए तो आप यहाँ डबल कोट में लिख देंगे डॉक्टर। यहाँ आपने डबल कोट में लिखना है डॉक्टर, स्पेस देंगे। अब आपको चाहिए लोकेशन, तो मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, ठीक है, तो मैंने लोकेशन यहाँ पर डाल दिया। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो अब आप देखना तो यहाँ पर हमारे पास दिल्ली के जो है डॉक्टर जो है उनकी लिस्ट आ गई है पूरी। और अब यहाँ से हम अपने ईमेल आईडी कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको जाना है एक वेबसाइट पर, न्यू टैब में हम खोल लेते हैं। यहाँ पर लिखना है लाइट LITE और 14.us, ठीक है, ये वेबसाइट है। यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ से हम बहुत सिंपली कॉपी पेस्ट करके अपनी ईमेल आईडी है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं जो चीज़ अभी बताऊंगा ईमेल निकालने के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमने लिस्ट हमारे पास जो आई है इसको हम कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, तो हमारा जो डेटा है गूगल के पेज पर ये पूरा कॉपी हो जाएगा। इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ईमेल एक्सट्रैक्टर, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया तो यहाँ पर ये उल्टा सीधा टेक्स्ट जो भी है वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। देखो, अब आपको जाना है सेपरेटर पर और यहाँ पर आपको लेना है न्यू लाइन, क्योंकि हमारा डेटा है अलग अलग लाइंस में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक सॉर्ट अल्फाबेटिकली, इस पर आप टिक कर देंगे तो आपका जो ईमेल आईडी आएंगी वो सॉर्ट होकर आ जाएंगी। अगर आप सॉर्ट नहीं चाहते तो इसको अनटिक कर देना। अब यहाँ पर देखिए मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो अब देखिए ये डेटा हमारा जो फालतू का डेटा था वो डिलीट हो गया और यहाँ पर जितनी भी ईमेल आईडी थी वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर आ गई है। कितनी ईमेल थी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, 21 ईमेल मुझे इस पेज से मिली है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा कॉपी पे, तो ये सारा डेटा जो है कॉपी हो चुका है जो भी मेरी ईमेल आईडी है। अब मैं इसको नोटपैड में जाकर पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए ये हमारी ईमेल आईडी आ गई है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर .com के बाद दोबारा से .dot लगा हुआ है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, अभी वो आपको बताऊंगा कैसे करना है। अच्छा, फिर अब और ईमेल आईडी कैसे निकालनी है आपको, अब नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, यहाँ पर पेज नंबर 2 पर हम जाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर जाकर फिर इसको कंट्रोल ए करके डिलीट करेंगे, फिर कंट्रोल वी कर देंगे और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट, बस अब यहाँ न्यू लाइन बार बार नहीं करना है, एक्सट्रैक्ट कर देंगे और हमारा जो डेटा है ईमेल आईडी जो है वो आ चुकी है, कॉपी कर लेंगे और अब इसको हम नोटपैड में पेस्ट कर देते हैं। अभी और चीज़ बताऊंगा वो काम की है, अभी वीडियो को स्किप नहीं करना। अब देखो यहाँ पर कितनी ईमेल आई थी, यहाँ पर 26 ईमेल और आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है कि ये ईमेल डुप्लीकेट भी हो सकती हैं, हो सकता है एक ही ईमेल मल्टीपल पेजेस पे पड़ी हुई है, उसको कैसे रिमूव करेंगे वो भी अभी आपको बताता हूँ। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैं बात आपसे बताना चाह रहा था वो ये है कि यहाँ पर देखो आप, मैंने जो सर्च किया तो यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो ये लगभग 100 के करीब रिजल्ट है, लेकिन आपके हो सकता है 10 या 20 आ रहे हो, तो उसको कैसे बढ़ाना है, क्योंकि हर पेज पे 10-10 आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप यहाँ पर 100 रिजल्ट लाइएगा और फिर कॉपी करके वहाँ पेस्ट करिएगा तो 100 में से जितने भी निकालेगा, 50 या जो भी होंगे उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आता था इसकी सर्च सेटिंग का, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आपका पुराना वर्जन हो उसमें आ रहा हो, तो आप ध्यान रखना सर्च सेटिंग में जाना है आपको गूगल की, तो यहाँ सी ऑल सर्च सेटिंग यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है कंटिन्यूअस स्क्रॉलिंग, ठीक है, ये ऑन होना चाहिए आपका। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो क्या होगा, आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा, पहले इस तरह से आता है रिजल्ट पर पेज कितने रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पर 10 रिजल्ट ऑटोमेटिक आते हैं, तो इसको 20-30 कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, इसको मैक्सिमम कर दीजिए, 100 कर दीजिए, ठीक है ना। तो 100 करेंगे तो आपका जो पेज है
इस पर बहुत सारी ईमेल आईडी भर के आ जाएंगी, बहुत सारे जो सर्च रिजल्ट हैं वो यहाँ पर आएंगे। अब देखिए ये जो हमने ईमेल कॉपी किए हैं ये सारे ईमेल, इनको हम सफाई करेंगे, इसकी फिल्टर करेंगे, ठीक है, जो प्रॉब्लम है इनमें से वो हटाएंगे। यहाँ पर ये .com के बाद .dot आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे .com .dot को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एच करेंगे रिप्लेस के लिए। और अब देखिए यहाँ पर आपको पेस्ट करना है ऊपर, और नीचे हमें .com .dot लास्ट का .dot हटा देना है, ठीक है, क्योंकि हमें .com .dot हटा के .com लाना है। रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये आपके जो .dot है लास्ट वाला वो हट जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि हम इसमें देखना चाह रहे हैं कौन सी ईमेल आईडी डबल है, अगर डबल है तो वो डिलीट हो जाए, कंट्रोल ए करेंगे कंट्रोल सी करेंगे। अब हम जाएंगे एक्सेल के अंदर, तो एक्सेल खोल लेता हूँ, जो भी आपका एक्सेल का वर्जन है वो खोल लेना। अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा। अब देखो अगर आपको देखना है कि डुप्लीकेट ईमेल आईडी है या नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हाईलाइट सेल रूल, यहाँ पर है डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे मैं ओके करूँगा, ओके कर दूंगा, तो अब देखो एक ईमेल आईडी ये दिखाई दे रहा है कि ये डबल है। अब नीचे चलते हैं, एक ही रही, मतलब ये एक ही ईमेल आईडी डबल है। अब हम मान के चलते हैं कि मल्टीपल ईमेल है, फॉर एग्जांपल मैं डबल करके दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये वाली डबल कर लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और नीचे डबल कर लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो देखो मैंने इतनी सारी ईमेल आईडी जो है डबल कर दी है। अब ये हमें रिमूव भी करनी है कि भाई डबल है तो रिमूव हो जाए, तो डेटा को आप पूरे सेलेक्ट कर लेना कॉलम को। अब जाएंगे आप डेटा के अंदर और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स का, ओके कर देंगे और ओके कर देंगे और यहाँ पर फिर ओके कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर आपकी जो कलर आ रहा था वो हट गया है और आपकी जो फ्रेश ईमेल आईडी है ये ईमेल ऐसी हैं जो कि सिंगल सिंगल ईमेल है, कोई डुप्लीकेट इसके अंदर नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो मैंने फेस करी है, वो आप उसको भी ध्यान रखना है। किसी किसी ईमेल आईडी में ना यहाँ डैश लगा हुआ है, डैश इस तरह से आएगा, तो वो चीज़ आपको मैनुअली थोड़ी देखनी पड़ेगी। सारी ईमेल जो आपके एक्सट्रैक्ट हो जाए, कॉपी हो जाए, सब हो जाए, उसके बाद यहाँ पर देख लेना कि भाई ओवरव्यू कर लेना थोड़ा स्क्रॉल करके कि भाई सारी ईमेल आईडी ठीक लग रही है या नहीं। बहुत से में ऐसा हो सकता है डबल डॉट आ जाए, डबल डॉट जीमेल, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने जिस वेबसाइट पर अपलोड किया है तो वहां पर भी डबल डॉट लिखा हुआ, तो यहाँ पर डबल डॉट आ जाएगा। तो छोटी छोटी गलती हो सकती है, ठीक है ना। बाकी इसमें 90% जो ईमेल आपको मिलेंगी वो बिल्कुल सही मिलेंगी। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी वेबसाइट पे जाएंगे techguruplus.com पे, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं जो ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर है रिज्यूम्स के टैम्पलेट है, 150-200 रिज्यूम्स है, अकाउंटेंट्स के रिज्यूम है, कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, मैरिज बायोडाटा है, और टैम्पलेट्स हैं, इनवॉइस के हैं, कोटेशन के हैं, परफॉर्मा एक्सेल के प्रोजेक्ट्स हैं, 300-400 प्रोजेक्ट हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर मैंने बना रखे हैं एक्सेल में, वो आप देख सकते हैं। लेटर हेड के डिज़ाइन है, मतलब ये ऐसे हैं कि इसमें आपको लिस्ट मिलेगी पूरी। मान लो लेटर हेड डिज़ाइन है, क्लिक करेंगे तो 150-200 लेटर हेड मिलेंगे आपको। इसी तरह से ये सारे हैं, ठीक है। अकाउंटेंट्स के लिए है बैलेंस शीट के टेम्पलेट है, प्रॉफिट एंड लॉस टैली की जो है TDL है, सैलरी स्लिप फॉर्मेट है, और आपके पावर पॉइंट टेम्पलेट है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर काम की मिलेंगी। तो आप इस वेबसाइट को, मेरी वेबसाइट को जरूर चेक करना techguruplus.com को, और यहाँ पर ये आप चीज़ें चेक कर लेना, ये आपके काम आ सकती हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो कैसी लगी आपको, हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आप अगला टॉपिक इस टाइप का क्या देखना चाहते हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती रहती है। मैं उसकी रिसर्च करूँगा और नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर बनाने की, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।